أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मेरा नाम नहीं लिखा वा नबी पाक गैब जानते ठीक है नबी पाक कह देंगे भाभी आन गए भाभी होवन गए भाभी है वो जी मुनाफक ने ਇਹ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਦਿਖਾ ਮੌਲਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਜਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਉਂ ਤੇ ਸੁਣ ਲੋ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਤੂੰ ਆਦੀ ਸੁਣਾਣ ਦੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਆਦੀ ਸੁਣਾਣ ਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਸੁਣਾਣ ਦੇ ਕੌਣ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਭਾਈ ਆਦੇ ਨੂੰ ਆਦੀ ਤਰ ਮਤਵੱਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਇਮਾਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ मेरी गल सुन जिथे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुकाबले दे अंदर किसी भी ईमान दी बात आ जावे असी ओदी ईमान दी बात नहीं मानदे मुकाबले च ना क्यों के हां जे फिर की जे मुकाबले ओदे मुकाबले विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान जदों मौजूद होवे सरीयन ओदे ते अमल करने आ तैनू सरी दा पता सरी किनू कहंदे ने की है सरी किनू कहंदे मैं कहना सरी दा वजाहत नाल जिदे नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे नु सरी अच्छा ये दस इमाम आदम अबू हनीफा दा वक्त पहले के तेरा वक्त पहले यार तू इमाम आज़म अबू हनीफा सरकार दी गल हुण छेड़ी है तू इमाम साहब दी कोई गल हुज़ूर दे खिलाफ साबित कर फिर इमाम मोमिन रवे दा काफिर होएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुकाबले दे अंदर इमाम मालिक दी बात आ जाए तू ते मुकाबले जाया अगर पैगंबर की हदीस ना मिले फिर असि इमाम की बात मैं तेन सारी हदीस मनी बैठा हूं कुछ है मेरे खास मैं तेरे गल की चुप गल सुनी मेरी गल सारी चुप गल जोर ने फरमाया टोले हो गए खत्म हो फिर पैदा होने फिर खत्म होने ये निशानियां उन्होंने हो गया तू सानू सिर्फ साबित कर भी केड़े दौरे च होए सानू तारीख हदीस तू पढ़ी कि मैं पढ़ी है मैं पढ़ी है हैं हदीस तू पढ़ी है साबित तू करना है तू तेरा आधा आप पाक मौलवी मेरी गल सुन बार तेरा लफ्ज़ ए सी कि मैं कुरान च दिखाना जी अहले हदीस मुनाफिक मैं दसी भी खड़ा मैं हदीस दिखाना अहले हदीस मुनाफिक यार असि वाबियां नु बड़े दिनां दा जानने कि उन्होंने तू जानना मैं तो तेरे पैदाश तो पहले ब्रेलवियां नु जानना एक एक लफ्ज़ यार जान मैं ब्रेलवियां के सारा कुछ पहले जानना हुजूर ने फरमा दिता है कि वो अपने आप नु वाले हदीस कहणगे कह रहे ने हुजूर पाक तू कहने वहा वहा अहले हदीस दा की माना हुजूर ने फरमाया अहले हदीस दा माना की है माने नु छड़ तैनु की पता फिर अल्लाह हौला वाला ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਲੇ ਦੀ ਛੱਡੋ ਜੀ ਓਏ ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਨੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ
सलूक टाइम ना टाइम लिया मैं क्या जी इन्होंने बार दावा ही किया है कि मैं कुरान की आयत चो दिखाना या हदीस पाक चो दिखाना वादे लफ्ज दिखाए के वहाबिया के बारे क्या नबी पाक को नहीं पता वहाबी है ने जो आप जानते गैब ने फिर आपने गैब क्यों रखा रब ने क्यों गैब रखे रब ने क्यों फिर अल्लाह ताला ने फरमाया नबी पाक गैब जानते ही नहीं अल्लाह ताला भी तो फरमाया मैं गैब बता फरमाया तो दस ना कुरान की आयत पुराने पाक पढ़ लिया कुरान पाक पढ़ चुप कर होना जब मैं रब के कुरान पढ़न लगा रब का कुरान इधर वे चौथा पारा सूरत आले इमरान तीसरी उनकी आयत नंबर है 179 नोट कर ले अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमांदा है वमा कान अल्लाह लियुतलियाकुम अलल गैबी वलाकिन अल्लाह यजतबी मिर रसुलिही मन यशा अल्लाह ताला कुरान में फरमांदा है कि अल्लाह की शान नहीं है कि ऐ आम लोग को तुहानू गैब का इलम दे देवे हाँ अल्लाह चुन लैंदा आदे रसूलों विचों जिन्हों चाहे मौलाना जी ऐ पढ़ते ने वमा कान अल्लाह लियुतलियाकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा मौलाना दे आए है जी तो अल्लाह ताला फरमा रहे ने कि कोई गैब नहीं जानता लेकिन अल्लाह ताला चुन लेंदा है जिन्हों चाहता है ठीक है जी। सब तो पहली बात है कि अल्लाह मेरा कीता और मेरा दावा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़बाने मुबारक भी चुनी और कुरान पाक दी आयात भी चुनी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कायनात दे अंदर कोई गैब का इलम नहीं जानता नंबर एक وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ अल्लाह ताला फरमा रहे ने وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ कि किसे दे कोल गैब दी चाबियां नहीं है या ला यालमुहा इल्ला हु मगर गैब दी चाबियां किदे कोल ने अल्लाह ताला दे कोल ने एक दलील दूसरी बात अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर फरमाया है कि गैब दा इलम मेरे कोल है मेरे अलावा किसे को ले उल्ला अकूल लकुम इंदी खजाइनुल्लाह वला आलमुल गैब फरमाया कि खजाने दी चाबियां भी मेरे को ले ते गैब भी आलम वाहिद मुतकल्लम दा सिगा है कि मैं ही जानना दो दलील तीसरी दलील मौलाना अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर फरमाया हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कौन आयशा है मेरी और तुहाडी मोमना दी मां आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जिन्हां दे मुतल्लिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा इस कायनात दी मोमना औरत है हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ते जना दी तोहमत लग गई सही बुखारी दे अंदर पहले दलीलां पूरियां हो गईयां और बाकी और मैं नहीं यार जब तक कर और पहले गाना सुन रहा हूं मैं को गाना सुना रहा हूं शुरू कर ले मैं को गाना सुना रहा नहीं करता मैं तेनु हदीस पढ़ के सुना रहा हूं सुना रहा हूं ठीक है हां तो बैठ अब मेरी बारी आई है और गाना तो पूरी कर ले मैं गाना पूरी ना कर ले ठीक है मेरी क्या सुन लिया इन्नो दलील तो मानदा पूरी हो सुन दलील गाना पूरी सुना हां मनना यार गाल तो सुनो गाल सब मैं
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ دے بارے آپ نے فرمایا کہ عائشہ جنتی ہے, آپ نے فرمایا عائشہ مومنہ دی ماں ہے. وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ زنا دی تومت لگی. حضرات اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے سن تے آپ نے کیوں فرمایا وستغفری لذنبک, آپ نے فرمایا عائشہ اگر تو ایک گناہ کر لیا تے دے تو توبہ کر لے. اگر نبی پاک غیب جانتے سن کیوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی بیٹی حضرت عائشہ نو اپنے گھر لے کے گئے نے, کیوں اینی دیر تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے انتظار کرتے رہی نے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولانا دے ہاں غیب جانتے سن. کون بندہ جڑا چاہے کہ میری بیوی تے بہتان لگ جائے, پھر نعوذ باللہ ہوئے پیغمبر دی بیوی ہوئے پیغمبر دی سوجا تے او دے بارے پھر بندہ چپ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن چپ رہے. آخر قرآن پاک نازل ہویا 18 آیتاں, اللہ تعالیٰ نے سورہ نور دے اندر فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ, ایک مقام تے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ, فرمایا جنہ نے میری ایسا تے بہتان لگایا ہے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو برباد کرنا ہے, اللہ نے انہوں نے لانتی آکھا ہے. آپ نے فرمایا اگر مینو علم ہوں تو میں ضرور اپنی عائشہ دا خیال کرتا. حضرات اے تین دلیل ہے جواب ٹھیک ہے. ادھر سنو میں ہن بولنا نہیں, قران پاک دی ایک آیت اے کہ اللہ تعالی جندے وچ فرمایا کہ میں آدے چنے اور رسولاں وچ جنوں چاہواں عطا کر دیاں. دنیا ایتا تساں او پڑھیاں نے, سنو ہن بولنا نہیں میں نہیں کر. دنیا ایتا تساں او پڑھیاں نے جندے وچ رب فرمایا کہ محبوبہ کہہ دیو کہ میں غیب جاننا, چھپے ہوئے بھی سارے میں غیب جاننا. کون جاننا؟ رب سونا فرماندا میں غیب جاننا, غیب میں جاننا. ہن قران پاک دی ایتا ہو گئی نے دو طرح دی, ایک وچ آیا کھلے کہ اللہ تعالی فرماندا ہے کہ میں غیب عطا فرمایا ہے, دوسری ایت وچ آیا ہے کہ میں غیب جاننا. تساں یہ انہاں دوواں آیتاں دا ترجمہ مانا انہاں دا اپنا جوڑیا گونی لڑا دیتا دوواں آیتاں نوں. تساں صاحب یہ دسو کہ کیا قرآن پاک وچ ایک منٹ آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ میں غیب جاننا, حضور پاک تو یہ دنیا تو نفی فرمائی لیکن عطا دی نفی نہیں فرمائی, ذاتی طور تے اللہ نے فرمایا کہ میں ذاتی طور تے جاننا, اور کوئی ذاتی طور تے نہیں جاندا. یعنی میرے دین دے نال حضور کیویں جاندے نے؟ میرے دین دے نال رب فرماندا ہے میرے دین دے نال او جاندے نے, اپنی ذات دے نال او نہیں جاندے. میں اپنے محبوب نو غیب عطا کیتا ہے تاں جاندے نے, ورنہ اپنی ذات دے نال او غیب نہیں جاندے. سارا اتفاقی مسئلہ ہے. تساں انہاں دو آیتاں نوں دتا لڑا, ہن پہلے نمبر تے ثابت ہویا نا کیویں ثابت؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوں اللہ تعالی نے علم عطا تے فرمایا, آیت ثابت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ ثابت کر رہی ہے. تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہن تہاڈا سوال, نام آئے رسول دا نام آئے, مینوں دکھا یار اے کِڈی نہیں, اے بیوقوفی نہیں ہے. ہن اللہ تعالی فرما رہا کہ میں آدے رسولاں وچوں جنوں چاہواں چن لے. رسولاں وچوں ہن تسی دسو کہ اللہ تعالی نے کِنوں چاہیا؟ میری گل اے مینوں کیڑا ہے گا, اللہ تبارک و تعالی نے انہاں تے ثابت ہویا نا بھی کسے نو عطا چلو کیتا تیرے نبی میری تیری بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی, کسے ہور رسول دی بات نہیں اپنی ہو رہی. میری گل یاد رکھ یار, گل سمجھ. نبی پاک دا مینوں دکھا, اوتھے پیغمبر خود کہہ رہے نے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. ہاں جی اوتھے رسول کہہ رہے نے, میں انہاں دکھا یار کل تیرے چ ہوندی تے یہ گل اللہ آیا اے تے گلا لے گا مڑ تینوں جواب دے نہیں آنا, ہن تو بھی گل کرنی ہے. چپ کراو یار, چپ کراو تیرے میں تے چپ کیتی بیٹھا تیرے نہیں. اے جڑی نا گل ہے چپ کر. ہاں پیار نہیں یار, چپ کر مینوں ایویں نہ سمجھی یار. ہاں یار تو گلا تیرا لفظ بولنے دا ہو رہا ہے, اوئے نہیں یار تیرا بولن دا انداز ہو رہا ہے. میں سمجھنا ہاں جی آنکھ دا طریقہ ہے. میں انہوں نے ایک بارے میں گل کی تھی, گل کر میں نے گل کرنا چھپ کر تو میں نے کہہ رہا ہے یار کب نہیں آیا بیٹھے جاؤ تیری بڑی ہو گئی
ਤੂੰ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰੋ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਰੋਲਾ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਬਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਬਕੌਲ ਕਿਸੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ عطا ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਸ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਇਲਮ عطا ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਰਸੂਲ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲਿਆਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਖਿਜ਼ਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਜਾਣਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੰਧ ਇਹ ਕੰਧਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੋ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਗੈਬ ਦੀ ਇਲਮ ਗੈਬ ਦੀ ਹੁਣ ਆਇਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਆਇਤ ਦਾ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਜੇ ਕਿ ਲਿਆਦਾ ਇਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਤੂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਿਬਾਦ ਕਿਤਾਬ ਬਤਖ ਫੁਰੂ ਨਾ ਬਿਬਾਦ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਤੇ ਬਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਜਾਣਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਆਖਣੇ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਇਹ ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁੜਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੜੇਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਸਰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਆਇਤ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨ ਆਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੇ ਕਈ ਲਾਂਤੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਮੁੜ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸਰਾਨੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬੋਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸੁਭਾਨ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰ ਬੰਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਣੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਦੋ ਇੱਦਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਜਾ ਇਹ ਦੇਵੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਜਾ ਦੇਵੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਜਵਾਬ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਲੱਖ ਕੁਰਾਨ ਚਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਲ ਚ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਤੂੰ ਲੱਖ ਕੁਰਾਨ ਚਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਤੂੰ ਲੱਖ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਚਾਲੇ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਗਏ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਉਲ ਆਲਮ ਵੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਉਲ ਆਲਮ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੰਮੀ ਯਾਰ ਗਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੱਡੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਉਤਰਨਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਲਾਨਤੁਲਾਹ ਅਲ ਕਾਜ਼ਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਸੁਣ ਹੋਰ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮਨ ਕਾਦਾ ਵਾਲੀਆ ਮੁਤਮਿਨਨ ਫਲੀਤਾ ਵਾਬਾ ਰਬਤ ਮੇਰਾ ਨਾ ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਪਈ ਦੇਵੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਐਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੰਦਾ ਦੇਗਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਐਦਾਂ ਕੱਢੇ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਦਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਦਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਛੱਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਾ ਤੂੰ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਇਲਮ ਹੈ ਜਾਨ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਇਹ ਵਿਖਾਓ ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵਣ ਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਮ ਗੈਬ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ
अपनी मखलूक विचों चलो तू नबी अपने दुश्मनी बोगदा है ओदा नहीं मनदा किसे रसूल वास्ते मान यार चुप कर चुप कर दुश्मनी चुप कर चुप कर दलील नाल गल कर मैं सारी दलीलां दे ए कर रहे मेरे रोला पै जावेगा रोला नहीं रोला तू अल्लाह माफ करे रोला के एक पर तू गाबर ना ओए मैं नहीं गाबर सकदा ये गल देर से रख हुन हुजूर ले सलाम ये ले हदीस ता इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल अल्लाह बिन माया बैठा है सानू पता है पहले हदीस जेड़ा ना डरन वाला ना झिझकन वाला है ये हक लेके आया है बादल नु भजान वास्ते आया है इंशाल्लाह अल्लाह दी रहमत इधर देखो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मैं कई आयता मुहकमात उतारियां ने कई मुतशाबियात उतारियां कुरान पाक दी आयत है रब फरमाया कि जेड़े हैं ना दिलां दे मर्ज वाले कोड़ वाले ओ कुरान दी आयता फड़न गए जिन्ना विच मान दे इस्तेमाल हुंदे ने कई मौलाना वखा देवे हूं आ गई गल जाती अताई दी भी मैं कुरान चखा देहरिया जवाब देवे को कुरान दी आयत पढ़े तेरा मनना मैं दो आयतां पढ़ियां ने कुल्ला कुल्ला क्विंदी खज़ाइनुल्ला वला आलमुल गैब वो ते वाहिद मुतकल्लम दा सीगा आप फरमा रहे ने के लोगों मैं गैब इलम नहीं जानता तू आने गैब इलम जान दे यार वो फरमा रहे कि मैं नहीं जानता उसे जाती दी नबी के वो जाती कुरान जो वखा दी तेरी गलत है तो मैं वाली ना करना तेरा दीन है तू मैं दस समझा अल्लाह ताला ने कुरान पाक अपने कुरान के मुतालिक की वजाहत फरमाई पानी थोड़ा देना अल्लाह ताला फरमांदा हु अल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुम हुन्ना उम्मुल किताब असल मैंने काफी बुखार सी मैं उस बुखार के बावजूद बोलन दिया अल्लाह ताला उस दे बावजूद थोड़े नाल बोलन दिया लेकिन मैं अल्लाह तुम सेहत देवे अल्लाह कोई मेरा खुश कहे ना समझा दे नहीं नहीं पानी पी कोई गल नहीं बुखार दी वजह नाल मेरा कोई गल नहीं अल्लाह शिफा देवे तो अल्लाह तंदुरुस्ती देवे अल्लाह लंबी उम्र फरमाए कोई गल दुआ देता जी दुआ करो बस कुरान पाक च रब खुद भी फरमांदा है कि असा कुरान पाक किवें उतारिया वल्लज़ी अनज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात फअम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैग फयत्तबिउना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगा अल्फितना व इब्तिगा तअवीलिही व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب اے اللہ تعالی نے قران پاک وچ خود بیان فرمایا آل عمران سورۃ تیسری آیت نمبر 7 رب فرماندا ہے کہ اوہی ذات ہے جن نے تواڈے اوتے محبوبا کتاب نازل فرمائی ایں دی کچھ آیتاں تے ہیں جڑا صاف معنی رکھ دیاں بالکل واضح اون وچ کوئی دوسرے معنی دا استعمال نہیں ہوندا وہ کتاب دی اصل किताब की असल वो आयतं ने जिहड़ियां मुहकम ने जिन्हां दे माने विच होर इस्तेमाल नहीं हुंदा वो मुहकम आयतं ही कुरान की असल ने रब फरमांदा दूसरियां वो ने हाँ जी दूसरियां की है दूसरियां आयतं रब फरमा रहे दूसरियां आयतं वो ने कि जिन्हां दे माने विच हुंदा है इश्तबाह यानी कई तरह के माने हुंदे हो सकते हुंदे ने आयतं दे वो जिन्हां दे दिलां दे विच रब फरमा रहा है वो बंदे जिन्हां दे दिलां दे अंदर कजी है टेढ़पन है बीमारी है वो इश्तबाह वालियां आयतां दे मगर बह जांदे ने वो जिहड़ियां आयतां जिन्हां दे माने कई हो सकदे हुंदे ने वो आयतां पढ़नगे उधर मुहकम वाले पासे नहीं जाणगे इश्तबाह वालियां आयतां दे पिछे पैणगे के वास्ते पैणगे गुमराही चाण वास्ते खुद गुमराह होण वास्ते ते लोकां नूं गुमराह करन वास्ते जिते गुमराही किहदा माना कीता ने इब्तिगाल फितना दा माना गुमराही वबतिगा तावील ही उनका गलत पहलू लभण वास्ते कोई ऐसा माना जिहड़ा अपनी अकल के मुताबिक होएगा वह माना उनका करने की कोशिश करेगा इस वास्ते मुतशाबे आयतां दे मगर लगेगा
ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਪਹਿਲੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਫਸੀਰ ਚ ਆਇਆ ਰਵਾਇਤ ਚ ਆਇਆ ਮੁਫਸਰੀ ਨੇ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਮ ਉਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪੁਖਤਾ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਕਲ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਬੇਅਕਲ ਯਾਨੀ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਕਮ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਤਸ਼ਾਬੇ ਨੇ ਉਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਕਮ ਆਇਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੁਹਕਮ ਆਇਤ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹਕਮ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹਕਮ ਮੰਨਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਦਾ ਦਲਾਇਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਤ ਮੁਹਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸੋ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਾ ਗੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਾ ਗੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਬਗੈਰ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਇਤ ਮੁਹਕਮ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਹਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਫਸੀਰ ਇਬਨੇ ਕਸੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਆਇਤ ਦੇ ਤਾਅ ਤੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਤਫਸੀਰ ਇਬਨੇ ਕਸੀਰ ਫੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਯਾਤ ਰੱਖੀ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣਾ ਕਰ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲ ਵਸਲਮ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਤਾਈ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਤਾਈ ਦੱਸੋ ਲੱਗੇ ਨੀ ਪਈ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਉਸਦਾ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 259 ਹੈ ਆਓ ਯੋ ਆਇਤ ਆਖਲੀ ਹੋ ਅੱਲਜ਼ੀ ਅਨਜ਼ਲ ਅਲੈਕਲ ਕਿਤਾਬ ਮਿਨਹੁ ਆਯਾਤੁ ਮੁਹਕਮਾਤ ਹੁਨਾ ਉਮੁਲ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਯੋ ਆਇਤ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣੇ ਦੀ ਤਫਸੀਰ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯੁਖਬਿਰੁ ਤਾਲਾ ਅਨ ਫਿਲ ਕੁਰਾਨੀ ਆਯਾਤੁ ਮੁਹਕਮਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ 'ਚ ਆਇਤਾਂ ਮੁਹਕਮ ਵੀ ਹਨ ਹੁਨਾ ਉਮੁਲ ਕਿਤਾਬ ਉਹੀਓ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹੀਓ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦ ਮੋਢ ਨੇ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਲਾਲ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਈਏ ਨਾ ਤੂੰ ਵਾਦੇ ਹੱਥ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਮੁਲ ਕਿਤਾਬ ਬਈਏ ਨਾਤ ਵਾਜ਼ਿਹਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਨੇ ਦਲਾਲਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਲਾਇਲ ਤਬਾਸਾ ਫੀਹਾ ਅਲਾ ਅਹਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਤਬਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਖਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਨ ਆਯਾਤੁਨ ਉਖਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਫੀਹਾ ਇਸ਼ਤਬਾ ਫਿਦ ਦਲਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲ ਮਾਣੇ ਦੇ ਦਲਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਬਾ ਹੈ
अला कसीर मिन नास वह इश्तबाह लोगों के उत्ते पै जाता है हकीकत अंदर उनके इश्तबाह नहीं है लोग उनके मुश्तबे हो जाते हैं खिलर बिलर जाते हैं जिम्मे तू आए बैठे जिम्मे तुम होए बैठे जाके खुद कह मेरिया दलील मुश्तबे आख्या मैं तो नहीं आख्या तू मेरिया दलील मुश्तबे आख्या कुरान कहता पे रब कुरान ने कहा कि कई मुश्तबे ने कई मुहकम सीरियर कड़ी बैठा है हूं तो बंदे सारे सुनते पे क्यों बोलन मेरी गल हूं मेरिया दलील ने जना कर लो भावे तू कर ले मेरी गल सुने हां जी तफसीर कड़ी बैठा है जी मैं दो दलील दिखा ने कुरान पाक सुन मौलाना ने हूं उन्होंने दो बयान करना है कि नहीं भी इन्होंने नबी पाक ने फरमाया कि दोवे ऐसा मुश्तबे ने यार जो मुश्तबे जो मुश्तबे का पता लग जाए कि मुश्तबे होंदिया केड़िया ने हुण हर हर आयत दे बारे तो मुफस्सरीन नहीं फरमाया कि आ मुश्तबे ते आ मोहकम आ मुश्तबे ते आ मोहकम उन्हें सिर्फ एक उसूल ते कायदा कुलिया देना सानू मौलाना इह गल नहीं ठीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दीन उतरिया ठीक है कोई ऐसी आयत नहीं कोई ऐसा कुरान का हुक्म नहीं कि जिदी तशरी ना हुई होवे समय लगी है तुसी मैनू मौलाना हुण इत्थे दिखाओ ना पता लगे जिहड़ियां मेरे दो दलीलां मैं तुहाडे सामने रखियां ने उहनां नूं वखा के नबी पाक ने आख्या ने दोवें ऐता मुश्तबे ने या नबी पाक ने फरमाया के जाती ने अताई ने उत्थे पता तेरा लगे हां जी सुन ते सही हदायत वास्ते कुरान पाक जो वादे अल्फाज कह रहे हैं मसलन अल्लाह ताला फरमा रहे ने ए लोगो जेड़े तुसी ईमान लेके आए हो नमाज पढ़ो ठीक है हुण अल्लाह ताला ने अंदर नमाज का हुक्म दे दिता है अगर इन्दे च अल्लाह ताला ने नमाज का सारा तरीका सानू नहीं दसिया उहदे वास्ते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हदीसे मुबारका के अंदर मौजूद है ठीक है जिस मकाम ते अल्लाह ताला ने फरमा दिता है कुल अमर दसीगा ए मेरे महबूब तुसी ऐलान कर दियो अकूल लको इन्नी खज़ाइनुल्लाह के मेरे कोल अल्लाह दे खजाने नहीं है ये बला आलमुल गैब वाहिद मुतकल्लम दा सीगा इन्हें शाने नज़ूल बयान करो एक मिनट चलो तो तफसीर है ओ मेरी गल सुन मेरी गल सुन शाने नज़ूल तेरे को ना इत्थे पईयां ने तू मेनू दस मैं तन्नू देना ओ मेरी गल तो सुन मैं तन्नू सारा दस देना कुल्ला कुल्लक मिंदी खदाइनुल्लाह वला आलमुल गैब अगर तू ग्रामर पढ़िया हो ना तो तेन मेरी बात ही काफी है आलम जेड़ा सीगा ना ये वाहिद मुतकल्लम दा सीगा जेड़ा एक वास्ते आंदा है ये ते हुजूर आप फरमा रहे ने आलमुल गैब के लोगों मैं गैब नहीं जानता ठीक है अगे सुना और सुनना होना है तेन मैं ये आयत पेश की है ये दलील तेरे सामने रखी है तू ए कोई गल नहीं की ठीक है मैं तेने गल की तर्जमा आप फरमा रहे ने कि लोगों मैं गैब नहीं जान ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਮਾਣਾ ਕਰੋ ਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਬਕਤ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ ਲੜਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਕੌਲ ਕਿ ਮਿੰਨ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵਇੰਦਹੁ ਮਫਾਤੀਹੁਲ ਗੈਬ ਲਾ ਯਾਲਮੁਹਾ ਇਲਾ ਹੂ ਕਿ ਲੋਗੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਵਾਟ ਤਾਂ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਵਣਦੇ ਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਫਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਮਿਫਤਾ ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਨਬੀ ਜੀ ਆਣਾ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਆਣਾ
वाहिद मुतकल्लम है ठीक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है एहदा वाहिद है वाहिद मुतकल्लम है आलम वाहिद मुतकल्लम है आलम वाहिद मुतकल्लम है एहदाद की है एहदाद वाहिद है की हो गया केड़ा सीगा वाहिद हो गया भी वाहिद मुजक्कर गायब दा सीगा वाहिद मुजक्कर गायब बिल्कुल बाब केड़ा है बाब आहद यहदु अंदर हुआ जमीर मेरी गल सुन इन्हां लोकां दे सामने तू बड़ा चलाक हो मैं तां बंडी देना मेरी गल सुन तू दस सुन मेरी गल सुन इलम तेरा इलम सारा खुल गया मेरी एहदा सीगा वैद मुदक्कर साहब हुण यार मेरी गल सुन लवे एक मिनट चुप कर चल चल सुना सुना तू सुना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुताल्लिक अल्लाह ताला फरमा एहदा लफ्ज दी गल होवे दी पहले कुरान पाक दी आयत दे इलम की है एहदा मैं तैनूं आदा इलम दसागा की हो गया बाप केड़ा है बाप दस पहले केड़ा बाप बन गया मैं तुम दस एहदा वाहिद सीगा वाहिद केड़ा मुजक्कर कहन दे अगू कहन दे गायब कहन दे बाप केड़ा बनया एहदा हां एहदा वाहदा यहदु एहदा एहदा केड़ा सीगा ए केड़े आरा पर मैं तुम कह रहा एहदा केड़ा सीगा तेरे पता है बोल केड़ा ओए मौली साहब यार मेरी गल सुन ए मैंने गल कर एक मिनट मेरी गल सुन किताबा तेरे को किताबा पईया ने एक मिनट मेरी गल सुन तेरे को किताबा पईया ने गल दा सुन गल सुन जावे मेरी गल सुन मैं तेरे नाल अच्छा एक मिनट मैं कुरान दी आयतें रखी उन्हें ना जवाब नहीं तू दिता ठीक है की जवाब दिता है कुल्ला कुल्ला कमिंदी खदाई नुल्ला इधर की जवाब दिता है वहीं ना मुफाद उन्हें मैं दिता मैं तो ना क्या नबी पाक साबित करे तो कर नबी पाक चलो कोई और ना से और किसे नबी दिता रब ना बने किसे और मेरी तेरी गुफ्तगू नबी पाक दे बारे है तफसीर खोल है तफसीर क्यों खोला मेरी तेरी बात नबी पाक दे बारे तू कहना तफसीर तेरे को मेरे ना फरमांदा मैं अपने रसूलों विचों जिन्नू चाहवां अता करा मेरी तेरी बात मोहम्मद रसूलल्लाह दे बारे हो रही है किदे बारे हो रही है सब अल्लाह दे बारे नबी पाक दे बारे चलो मुक गई गल तुहाडे च कोई बंदा कहवे भी सारे नबियां दे बारे हुंदी पई है ईमानदार क्या है ईमानदार सारे नबियों ने कहा क्या कहे सारे कहे रब ने सारे नबियों ने दिया सारे नबी मैं माना ही गैब दी खबर देने वाला अस्तगफुरुल्लाह ला हौला वला कुव्वत जे नबी पाक नो गैब दा इल्म है सी ते नबी पाक के आदी बीवी ते जना दी तो मैं ते राजी सन अस्तगफुरुल्लाह और मौलवी अल्लाह को डर जा है अल्लाह को डर जा चुप कर जा चुप कर जा पहले मौलवियां नु बोलन दा तू ना बोलया जे हुन चुप इधर देखो सब तो पहले सुनो जी सब तो पहले सुनो के हुजूर पाक दी घर वाली दे उते तोहमत लावण वाले कौन सन हुन बोल एक सिर्फ जवाब देना तू गल कर ले या मैं करांगा बस मैं तेनु बयान कर चुका काफराने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते तोहमत लगाई केड़े काफरां लाई ਕਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਣੀ ਸੰਜੀ ਨਾ ਤੋਮਤ ਲਾਈ ਚਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਲਾਈ ਤੋਮਤ ਨਾ ਨਾ ਓਏ ਐ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੱਕੇ ਬਜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ 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 ਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੈਬ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਠੀਕ ਹੈ ਗੈਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਮੁਤਲ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਲਾਇਆ ਤੇਰੇ ਲਾਫਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਦੋ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਰੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੌਣ ਰੱਟ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਕੌਣ ਰੱਟ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰੱਟ ਟਾਈਮ ਠੀਕ
मुनाफिक मुनाफिक ने तुम दलाई हजूर पाक की घर वाली उत्ते हुण अगर तुसे इन्ना सवाल कीता सी जवाब मैं दे रहा अगर हजूर ने सलातो सलाम खुद कहंदे कि मेरी बीवी है पाक क्या सच्ची दसो जिन्ना तुम मतलाई सी मन जा मनाए नहीं नहीं क्योंकि वो तो पहली दूर नु नहीं सी मनदे सच्चा मनदे ही नहीं सन अच्छा और गल कर ले गल कर ले यार कर ले पूरी जवाब हो रहा हूं तेरी गल चल 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 जवाब गल्ला ना ले होएगा हुजूर ने सलातो सलाम इस वास्ते खामोश रह के अगर मैं जवाब इन्हां नु कह दित्ता कि मेरी बीवी पाक है और बेशक हुजूर ने बुखारी शरीफ के अंदर फरमाया कि मैंने बेशक पता सी कि मेरी बीवी मेरी घर वाली पाक है उस मौके पे आप नु पता सी हुजूर ने सलातो सलाम नु इल्म सी लेकिन दस्या नहीं हुजूर ने इस वास्ते कि इन्हें मननी दे मैंने पहले ही नहीं मन दे अच्छा गल कर ले फिर मैं दसा तेन फिर अल्लाह तबारक व तआला दी इंतजार वे सन कि अल्लाह तआला इन्हां दी पाक दामनी उतारेगा फिर सारा नु सुनावांगे कि सारे खामोश हो जाएंगे किसी ने बोलने की जरूरत नहीं होगी ते सिर्फ इत्थे मुनाफकां ते मोमना दी वंड भी नाल करनी सी भी ताकि मेरी घर वाली अपनी घर वाली बारे ताकि ईमान उन्होंने मक्खी नहीं बहन दी गला पलीत बीबी देंदे सन अल्लाह ताला दे सकदा सी नहीं दे सकदा घर वाली पाक है होर फरमाया मैं भी इयो ही समझना मेरी घर वाली पाक है उन्होंने मुनाफकों की मुनाफक साबित करने वास्ते हजूर ने इन्ना देर खामोशी इख्तियार फरमाई ते नाले रब का हुक्म जिहड़ा उतरना सी उनके इंतजार वास्ते अल्लाह ताला दे हबीब ने गल होगी तुहाडी ए तू ए साबित नहीं होता कि है भी कोई गल साबित होगी होगी मौलाना जी ये गल की है कि अखे अल्लाह ताला ने इस वास्ते नहीं दसिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पारू नहीं दसिया भी ताकि जो हजूर ना लेंदे मुनाफका मन जाना सी मौली साहब मैंने एक गल दस जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नो नबी पाक की जिंदगी के अंदर उस मौके मौजूद है ने कि नहीं बोल जरा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह हजरत उस्मान हजरत अली इतने कबायर सहाबा मौजूद ने नबी पाक ने सहाबा क्यों नहीं दसिया अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी लैके जा रहे ने अगर नबी पाक ने गैब का इलम होंदा हजरत अबू बकर अबू बकर ने आपकी गल मननी सी कि नहीं दसो यारो यार खुदा का ना ही होए कामरानी बारे गल कर रहे यार हजरत अबू बकर गल मननी सी कि नहीं दसो हजरत नबी पाक मिराज करके आए ने ठीक है अबू जाल कहने लगे कौन मनेगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने फरमाया सारा जहान भी तेरी तकदीर कर देगा लेकिन अबू बकर जरूर तेरी तस्दीक मन मानेगा तस्दीक नहीं थी की थी इस मौके पे मौलाना हजरत अबू बकर अपनी बेटी नु लेके जा रहे ने अगर नबी पाक नु गैब दा इलम सी आपने सहाबा नु क्यों नहीं दसया क्या सहाबा गल नहीं मननी सी तो सहाबा भी कर दे नाल च मिलाए खुदा दा ना या तैनू झूठ वे किना कुरान झूठ क्यों तू आने भी नबी पाक नहीं दसया क्यों सहाबा नु दसया सहाबा उस मौके पे एक मिनट अगर उस मौके पे सहाबा कराम नु नबी पाक ने दसया होवे आपने फरमाया होवे कि मेरी बीवी ऐसा पाक है इन्हें ते कोई जरा दी तोहमत नहीं है ना इन्हें जना कीता है ये गल वखा सहाबा कराम क्या नबी पाक की बात शक करते सन
दसो एक बार बोलो जो नबी पाक दे सहाबा शक नहीं करते सन आप चलो काफर तक काफर रह गए सहाबा आप कह सकते सन के नहीं कि मेरी ऐसा पाक है बोलो कह सकते हैं कह सकते हैं हैं तू तू कह रहे हैं यार नबी पाक उसे बोले नहीं अस्तगफिरुल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का बोतान लगे ते पैगंबर बोले ना वो अकल मेरे ते ना हो अकल तेरे च नहीं है नहीं यार मोर रोला माल है ये नबी पाक की गुस्ताखी नहीं कर रहे ना औ बिल्ला हुन थल्ले वेन अभी मैं की लब्बा उस्ताद हो के खुद सानू समझा दे वाह जी वाह गुस्ताखी पता लग जाएगा तैनू आ तू गल्ला ना ओ जड़ी आयत दा रोला पिया मैं रखे ने उना दे करे तर्जमा बस ठीक हो तर्जमा तन्नू किन्नी वारी कर ला किंदा करे तर्जमा कीता या कमाल है किंदा तर्जमा कीता है अरे आप जी एक्सपर्ट होंदा तर्जमा कमाल है भाई कुरान दी दो आयत तेरे के पढ़िया ने नबी पाक खुद ईरान करके कह रहे ने के लोगों मैं गैब नहीं जानदा तू कहने नबी पाक गैब जानदे ने ते हुजूर ए भी ते मिंबर ते खलो ते फरमाया है कि हुजूर ने सारे नु खुतबा दित्ता सुबह दी फजर दी नमाज तो लै ते जोर दी नमाज तक हुजूर ने दसया कयामत तो लै ते जो इब्तिदाए आफरीनश तो लै ते जो कुछ कयामत तक होना सी साहबा कराम ने हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिन गिन के दसया या नहीं दसया मौली साहब पहले इन गल तो पढ़या होवे ना मेरी एक गल सुन ले ठीक है तू गल कर एक मिनट आवो जी एक मिनट मैंने तो एक गल दस मेरा तेरा मौजू मेरी तेरी गुफ्तगू एक गल ते पहली गल सी कि तू अहले हदीसा नु मुनाफिक साबित करना सी ओ अस्तगफिरुल्लाह कीता मैं तेरे ते फिट गल्ला ना कीता अगले सुन गल्ला नाल ही होणा नबी पाक साडे ही पाक तुसी कुरान पढ़दे जे कि नहीं बुलादे कि नहीं लोकां नु कुरान दा हदीस वाले अच्छा कुरान दे एक मिनट तू तोड़ा चिश्ती को नहीं बुलादा एक मिनट चिश्ती मिंबर रसूल ते बैठ के गाला कढ़ दे तू इथे कुरान ते बैठ के कह रहा है इथे देखो कुरान ते बैठ के मेनू कह रहा है तेरे अंदर सब तो बड़ी है ये ते जेड़ा तू नबी पाक दे गुस्ताख है तू मेनू इधर वेखो जी तू तो मगर जो मिम्बरे रसूल बह के गाला देंदे ने मगर मैनू आ जाए मैं तेन गाला देवा लै गाल पावा गाल पावनी बुजुर्गो तुसी दा दियो ठीक है मेरे च उल्टा जाल है तू गाल भी आखी जावे तो ठीक तू नबी पाक दी गुस्ताखी भी कीती जावे ठीक तू मेरे कुरान दी आयतां दा जवाब भी ना देवे तो ठीक तू गल तां वखा मौलविया इन्हां नूं एवें गुमराह कीती करना इन्हां बंदे नूं गुमराह एवें कीती करना एक मिनट यार तू जवाब बस ठीक है बस ठीक है ठीक है जवाब साबा करम कठे हो गए ते आका अलैहि सलातो सलाम ने दुनिया दी पैदाइश तू गल्ला शुरू फरमा दितियां सुनावणियां अता के पेशी दा वक्त हो गया आका अलैहि सलातो सलाम मिंबर तो तशरीफ ले नमाज अदा कीती फिर दोबारा मिंबर ते तशरीफ ले गए फिर उयो गल्ला छेड़ दितियां जो यार उन गल्ला मेरी तेरी गुफ्तगू ए है कि नहीं या कर गल तब सुन ले या तेरी भी शुरू करा दे सुना ले सुना ले अलैहि सलातो सलाम फिर जनाबे वाला खुतबा दित्ता उयो गल्ला फिर छेड़ियां आखर असर दा वक्त आ गया असर की नमाज अदा की थी फिर मिंबर ते तशरीफ लै गए फिर हुजूर ने सलातो सलाम ने उयो अगे आवन क्यामत तक दियां गल्लां जनतियां दे जन्नत जान ते दोजियां दे दोजख जान तक हुजूर ने सलातो सलाम ने सारियां गल्लां साहबां नूं दसियां साहबा इकराम कहंदे ने कि साडे विच बहुत इलम वाला उह है बहुत हाफ़िज़े वाला उह है जिन्हें हुजूर दियां गल्लां बहुतियां याद रखियां ने जिहड़ा भुल गया उह सारे उह भुल गया हुण साहबा कहंदे ने कि हुजूर ने सानू हर हर शय दे बारे कोई शय हुजूर ने नहीं छड्डी जिहड़ी सानू हुजूर ने दसी ना होवे फिर साहबी कहंदे ने कि साडे कोल अगर कोई परिंदा भी उड़दा सी ना ते असीं उसले सानू फौरन चेता आ जांदा सी इहदे बारे भी हुजूर ने दस्सिया सी कि इत्थों परिंदा उड़ेगा हुण क़यामत दे निशानियां भी सारियां हुजूर ने गिण गिण के दसियां निशानियां दसियां सामने इल्म मेरी हुण गल सुन हुण गल मुकम्मल हुण गल तेरी होगी मुकम्मल नहीं होई हो जा यार एक मिनट हो जा गल सुन तो
सलाम ने हर चीज बयान फरमाई साहबा दे बकौल बुखारी शरीफ दे बकौल हर शह बयान फरमाई कोई शह नहीं छड़ी हत्ता के चिड़ी दे बारे भी हुजूर ने जिक्र फरमाया साहबी कहंदे ने असीं जानदे सां कोई चीज ऐसी आनी जिहड़ी सानूं भुल चुकी हुंदी सी ओह वेखण दे नाल सानूं फौरन चेता आ जांदा सी हुजूर ने इहदे बारे भी सानूं दस्सिया सी हुण तुसीं आंदे जे कि हुजूर नूं अल्लाह ने गैब नहीं दित्ता अता अता नहीं फरमाया ते इह नहीं गल्लां साड़ी इन्नी ताकत नहीं है ए कुरान फैसला करके कह रहे हैं लोगो कुल्ला अकूलु लकुम कुल ए मेरे हबीब केड़ी आयत ए मेरे हबीब मेरी जड़ी दो आयत ने ना बार बार भाई सही तेन कह रहे तू कोई तर्जमा नहीं कर रहा है इंशाल्लाह उधर हमें आवेगा था नहीं आवेगा जे आ जावे तो मेरी चाहिए किस्म है जोर लाल है जिन्ना मर्जी जोर लाल है किस्म है नहीं पाक जो बयान है जोर ये इतना इतना दा तर्जमा तुम्हारे सामने करे चाल मैं क्या कह रहा नहीं है कुरान पाक की सुन है क्यों डरते नहीं भी उच्ची बोले क्यों नहीं बोला खांदा नहीं रहा गानों सारी यार मैं नहीं हर मिला मेरा कोई नहीं चलता है बैठा पूरे जहाँ के खत्म कहाँ कर दे उच्ची नहीं बोलता अरे उच्ची नहीं बोलता इंसान में आज पता लगे पता ही क्या है तू मियां वो चीते बोल ले क्या सब्जी करा मैं अल्लाह दी रहमत अल्लाह कुरान पढ़ पढ़ के रखे बाबा जी कुरान सुबानी याद किया वह उत्ते वेख के नहीं लकीर ने फकीर नहीं बने वे लकीर ने फकीर नहीं बने मौलवी ना बनाया मैं कितो तो तर्जमा लबा होना मौलवी आ रहा मैं तर्जमा कितो लबा लब मौलवी आ ला उते कैमरा मैं तो चुप वो लबी आ रहा लबी आ रहा बोल ले तेरी बारी है जवाब ही नहीं आ रहा डाटा दे एक वाक्य बयान करना शुरू कर दे एक वाक्य बयान करना शुरू कर दे लबी आ कमाल बड़ी दलील बड़ी दलील कलमा पढ़ा तेन पता नहीं वट्टू आ गया फकीरिये चो सुन गल सुन चुप कर बोल उच्च
तेरी इज्जत है, तेरा वकार है, तेरा हया है, तू नहीं बोलना। तू भावे जो मर्जी कर, तैनु मेरी गल मौलवी नाल है, मौलवी गरीब परेशान है। गल सुनो मौलाना, आज जनाब एक ने कहा आग में दाखिल होंगे, एक मिनट इंशाल्लाह। तुहाडा की अकीदा भी तुहानू अग नहीं साड़ दी? इत लिखो, इत लिख, लिख सारी गल लिख भी मेनू अग नहीं साड़ दी। यार वो गल है, लिख तो पूरी करना, पूरी कर तो पूरी लिखना, तू गल तो पूरी लिखना। बिल्कुल उत्ते ला कैमरा, कैमरा उत्ते ला, गल तो आदि पूरी लिख ला भी, तू आगे सड़ना है, लिख पूरी कर, पूरी लिख। एक ही गल है, मैं सड़ गया मैं झूठा होवांगा ना सड़ांगा इंशाल्लाह। पहले साहब मुबाले हो चुके ने मुसलमाना दे अंदर, तेरा मेरा मुबाला इथे है, अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा, अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा, अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा, रब दे फैसले ते राजी है। यार मेरी गल सुना, तू आप ही लिख ना, नहीं दा अजे पग वाली ते कोई पहले क्यों सड़ गया है, पहले क्यों डर गया है, ते लिख पूरी गल ना, लिखाना लिख दित्ता है तू, सहन कर भी मर गया। मैं ना जी मैं आदी लिख ना देवा, क्यों पाड़ी जाने की हो गया? दोबारा लिख, दोबारा लिख, दोबारा लिख, एक मिनट अवली, एक मिनट इधर लिख, नसीते बह के कोई बंदा बोले ना, इन्हां विचों कोई एक बंदा तुहाडे नाल मोतबर नहीं, मोतबर हो जिन्हों मौलाना दी भी गल मैं पढ़ के सुनावांगा, अपनी भी सुनावांगा, ठीक है? फैसला तुहाडे अगे। ओए बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, गुस्सा ना कर, एक मिनट यार, एक मिनट नहीं, गल वादे कर ली, तेरा बंदा यार, तेरी जमात दा बंदा, उन्दे अगे मेरी भी गल होवेगी, ठीक है? वो कहवे भी गल ठीक है, मैं मंजूर है, ठीक है? मौलाना जी लिखा है भी आग में दाखिल होंगे, ठीक है? मेरी गल करन दा मकसद ये कि मैं भी थले लिख देना, लिख के तुहाडे सामने अग दे, पूरी गल तां सुन लई। मौलाना जिहड़े मुहम्मद अकरम साहब ने इन्हां दे, हां ये है कि असीं सच्चे हैं तां सानू अग नहीं साड़ी, यही अकीदा मौलाना कि होर कोई है? मोबाइल रिकॉर्ड करा जी जरा, मौलाना दा अकीदा कि असीं हक ते हैं, सानू अग नहीं साड़दी, नहीं साड़ेगी। क्या तुसी हक ते है जे कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तुहानू अग नहीं साड़दी। जे अगर हक ते हां ते असीं अग ते, इहदा मतलब शक है जे? नहीं ना, हले शक है, हक ते जे तुहानू अग नहीं साड़दी, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक मिनट गल सुनिया जी, बुजुर्गां हुण ऐ नहीं, मैं लिखां दा, मेरे हथ च पेंसिल है, मैं बच्चा दा नहीं हां, बूढ़िया दा नहीं जाना, मर गया था ते ऐ नहीं, मुक गई जी गल, दो लफ्ज़ अग च मारनगे छाल, मेरी गल सुनो, इन्हां नूं अग ना साड़े, ठीक है? बुजुर्गो मेरी गल तो सुन लो, यार एक मिनट इधर मेरी गल सुनो, अगर इनू आगे साड़े, इनू आगे यार मेरी मैं लिखना, ये झूठा मेरी एक गल सुन ले, अगला हुण रिकॉर्ड ही गल, अगला काम है साड़ना, अगला की काम है साड़ना, तेनू अग ना साड़े, तेनू मेरी गल समझ ले, तेनू अग ना साड़े, जे मैं तेरे मगर ना लगा आ सारे बंदे सुन।
यार मैं भज्जा कदों हां नहीं जांदा इत्थियां गल सुन ले पूरी ए बैठ बैठ थल्ले बैठ कोई एक बंदा गल सुन ले गया मेरी गल सुन अग्या नहीं मौलवी मेरी समझ आ दी नहीं आते थले इना लिखो अगर थानू आगे साड़े लिखो मोहम्मद आकम झूठा लिखो लिखो अगर मुझे आप साड़े तो मैं अगर मुझे यार मेरी गल तो समझ नहीं आ रही मौली साहब कह रहे हैं कि मैं हकते हाँ इवे कह रहे ने यार मेरी गल तो सुन मेरी गल सुन पहला दावा पुराने पाक फरमाया कई आयतां विच आया कि अल्लाह ताला फरमांदा है मैं अपने प्यारा नूं गैब अता फरमाया कई आयतां विच आया कि मैं अल्लाह तो इलावा कोई गैब नहीं जानदा पुराने पाक दे विच दो तरह दी आयतां मिलदियां ने मैं साबित करांगा एक ऐ जी आयतां ने जिन्हां विच रब फरमाया कि मैं गैब अपने प्यारा नूं यानी नबियां नूं अता फरमाया गैब अता फरमाया अता होवण दी सबूत कुराने पाक जो मैं देना वा कई आयतां ऐसियां हैं कि जिन्हां विच रब फरमाया कि मेरे तो इलावा कोई गैब नहीं जानदा हुण दो तरह दी आयतां हैं हुण क्या असी इस नूं मन्नांगे ते उस नूं छड्डांगे ਲਿਆਦਾ ਅਸਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਦੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚੁੱਪ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਸਹਿ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਲਈ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਾ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇਲਮ ਅਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਐਦਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਐ ਸਿਰਫ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਐ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਬ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਜੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਲੜੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਇਲਾਹ ਨਾ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸੁਣੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ
कि जेड़ा आयतां विच आया है ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं मेरे तो इलावा कोई गैब नहीं जानता, इहदा मतलब बुजुर्गां जेड़े साडे असलाब साहबां ने तर्जमा दिता है, मतलब दिता है उन्हां मतलब यह दस्या है कि हुज़ूर अलैहि सलातो सलाम नबी अल्लाह ताला ने ज़ाती तौर ते फरमाया सरकार असलाब दी बात नहीं, गल हदीस ते कुरान दी करनी है, दलील दी गल करनी है। गल वडेरियां दी बात मैं नहीं करन देणी, वडेरियां दी बात नहीं, कुरान ते हदीस दा साडा रोला ही होए, कुरान ते हदीस च विखाओ हुण गल तां हां भई दसो कुरान चाहिदा जे कि लोकां दीआं गल्लां बैन मौजूद है डंडी हस्ता फिर मारे डंडी तू मार कुराने पाक दी डंडी मार सिर्फ एक ऐत फड़ी खला दूजी तर्जमा नहीं कुरान लिया मैं तुम्हें सुना दा पिया कि अल्लाह ताला ने कई मकामा ते फरमाया कि सिर्फ अल्लाह ताला फरमाया कि मैं किसी ने गैब बता नहीं किया मैं गैब जानना यह एक मने आयत है दूजे मने कई आयत मैं तुम्हें विखावांगा जिंदे जराब फरमाया है कि मैं अपने प्यारे नूं इल्म अता फरमाया है अल्लाह ताला ने उन्हें दो आयतां ने कुरान पाक दियां जिहड़ा यह माना करदे ने इहदे च कुरान आपस च एक दूजे के खिलाफ हो रहा है भी एक मने आया कि अल्लाह अता कीता ते आंदा कि नहीं अता कीता इस आयत दा तर्जमा इहनूं कौन करे मैं हुण तर्जमा इहनूं कौन कुरान दे खिलाफ गल ना करे कि कुरान आपस च झगड़ा कर चुप जा कर मतलब गैब है ना एक जात सिर्फ मेरी जात गैब का ताल्लुक है मेरे देवन तो बगैर कोई नहीं जानता यह साडे सारे सुन्नी मुसलमाना का अकीदा है कि अल्लाह दे देवन तो बगैर कोई भी मखलूक विचों गैब नहीं जान सकता आज दूजी आयत ने दस्या कि अल्लाह ताला जिन्नू चाहे गैब अता फरमा छड़दा है हुण साडा कीदा इत्थे की होना चाहिदा तुसी अल्लाह दा कीदा बयान करदे पए जे मैं सुनी यार गल मुकम्मल कुरान विचों ही करन दिया नमस्कार हुण दलील मुसलमानां दा कीदा इह है कि अल्लाह तबारक व ताला जाती इलम रखदा यानी उहनूं किसी अता नहीं फरमाया उहदा अपना है लेकिन अल्लाह दे नबी दा इलम जिहड़ा है वह अल्लाह दी अता नाल है हुण अल्लाह दे कुरान पाक दा इलम कितना है इसका कोई अंदाजा नहीं ला सकता जिवें जिवें रब दे हबीब दे उत्ते कुरान पाक उतरदा गया है आप दा इलम शरीफ वधदा गया है अता के आका अलैहि सलातो वसलाम ओनी देर तक दुनिया तो तशरीफ नहीं लै गए जिन्ना चेर मा कान वमा यकून यानी जो कुछ होया सी और जो कुछ क्यामत तक होना सी ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਮਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਆਹੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਣੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੜਾਕਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ 5 ਮਿੰਟ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਬੜਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੌਲਵੀ ਪਿਛਾ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਮੈਂ अल्लाह ताला ने कुराने पाक जी फरमाया है कि जेड़ा बंदा मुसलमाना दा राह छड़ के नवा रास्ता इख्तियार करे पिछले बुजुर्गां मगर ना चले ओनू अल्लाह ताला फरमांदा है जन्नत विच ठोक देंगे जन्नत वाले पास रास्ता ना खोल होणिया वेखो किड्डा वड्डा फतवा ला रहे कुराने पाक दी गल करन देंगा किड्डा वड्डा फतवा ला रहे मेरी गल सुनो अगर साडा कीदा कुरान तो हट के है हदीस तो हट के मौलवी गल करे साडे नाल मैं कुरान दी दो आयतां दे दसियां ने मौलवी साहब उधर आ ही नहीं दा हुण जेड़ियां जेड़ियां आयतां ए तू आयतां बड़ी खाद जेड़ियां आयतां बार बार कहंदा पिया जेड़ियां बड़ियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ
इस मौलवी साहब को सिर्फ नचन टपन तेन भी नचन टचन तो बगैर और गल पे मैं दो इधर मौलवी नहीं देगा क्यामत आ जाएगी इंशाल्लाह जवाब सुनो सुनो साहबा इकराम फरमाते ने कि असा कुरान पढ़न तो पहले अकीदा सानू समझा टाइम पंजे मिनट बाद खत्म हो गया हुण तैनू पता मेरे राज खुलन लगे कौन किन्ने राज साहबा इकराम सारी रात भी लग्या रहवे ते जवाब ए नहीं आवेगा साहबा इकराम फरमाते ने साहबा इकराम फरमाते ने ना किताब केड़ी लेवा देख यार तू मेरा दिमाग हाथ बनने ना बनने क्यों ना साहबा इकराम ने क्या हाथ बनने ना मेरे बड़े भाई अल्लाह दी रहमत नाल बनने चुप कर गल सुनदा देखो मैं तैनू यार चुप जा कर तू बन के यार मैं तेरे को जवाब मंगया साहबा केड़ा बंदे नु तकलीफ ना कर चुप जा तू बड़ा पढ़ाना है इन्ना नु इतो 10 खा जड़ी मैं इतना दितियां ने मोरा ही सिर्फ जवाब देने लगा बस जवाब दे तू भी नहीं बोलना तू दस या तेरे तरह की गल जिन्ना टाइम मेनू दे पांच मिनट चलो पांच मिनट मैं नहीं पांच मिनट पंद्रह मिनट च बोलना नहीं पांच मिनट अल्लाह ताला दे जाती इलम दी गल हो रही है कि रब सोना फरमा रहा है कि मैं जाती इलम मैं ही जानना मेरे इलावा कोई नहीं जानता यानी मेरे देन तो बगैर कोई नहीं जानता बाकी जड़ियां आयतां मैं पढ़ता पिया ये नहीं पढ़ता पिया उन रब फरमा रहा है कि मैं मेरे तरफों इलम गायब जाना अपने मखलूक वाले मैं अपने नबिया नूं देवां ते कुराने पाक पता नहीं इन्दे विच कितना इलम रब ने रखा है कि कुराने पाक रब फरमांदा कि इन्दे विच हर खुश कतार चीज़ है मैं जिक्र किया है एक साबी कहते हैं कि कुराने पाक मैनू कुरान पाक का इन्ना इलम है कि मेरी उठ दी अगर नकेल गुम हो जाए मैं वो भी कुरान चो लभ सकना यह कुरान पाक के इलम का इतना इयाता है कुराने पाक बहुत वसी इलम रखता है अल्लाह तबारक व ताला इन्हें कुराने पाक नू अपने हबीब ते नाजल फरमाया है और कुराने पाक दा इलम बहुत वसी है तो लिहाजा हुजूर ले सलातो सलाम इस कुरान पाक दे आलम ने अल्लाह ताला ने कुरान सिखाया है और रहमान अल्लामा कुरान अल्लाह ताला फरमांदा है कि रहमान ने सब तो पहले अपने बंदे नू कुरान सिखाया है जदों हुजूर नू सिखाउण वाला रब है तो हुजूर दे इलम विच कोई कमी आ सकदी तो आका अलैहि सलातो सलाम दा इलम अताई दा इनकार करन डए ने असी अताई दे इस बात आले आ ए इनकार आला इनू चाहिदा है कि हुजूर दे इलम अताई दा इनकार कोई कुरान जो साबित करे कि अल्लाह ताला फरमांदा होवे कि मैं किसी नू अपने नबियां नू या किसी नू इलम अता ही नहीं कीता ए इना साबित करना है मैं साबित करना है कि अल्लाह ताला ने अता कीता है गल समझ आ गई ना दो मैं साबित करना है कि अल्लाह ताला फरमांदा है कि मैं इल्मे गैब अता कीता है इना साबित करना है कि अल्लाह फरमावे कि मैं किसी नू इल्मे गैब नहीं दिता गल समझ आ गई इंशाल्लाह ये दो तरह दी गल्लां ने अब साहब एक मिनट मेरी भी अर्ज सुन लो तुसी सारे बंदे सारे सुन लो मैं ये आना भी आपा रख लीजिए मनाजरे दा टाइम नहीं तो ना मैं कर सकने नहीं जेड़ा होना सी वो हो गया ठीक है तुहाडे डेरे ते आए तुहाडे घर आए तुहाडी मस्जिद च आए जेड़ा इन्हां लोगां ने इत्थों दा रवैया इख्तियार कीता तुसां सारा वेख्या ठीक है कभी साढ़े को भी समय लगी तुम्हें पता लगेगा जो बंदा ऊ भी कर जाए तो मन मुड़ गल है हूँ मौली साहब ने तो बयान करना पवेगा जना की है मैं सबूत मंगा कि तू साबित करके अल्लाह ताला फरमावे मैं किसी नू इलम अता ही नहीं कीता समझ आ गई ना गल आयतां जिहड़ियां पढ़नियां ने मैनू पता है इन्हां उहियां पढ़नियां कि अल्लाह मैथों बगैर मेरे मैं इलम जानना मैं इलम जानना दूसरा अल्लाह ताला फरमांदा है इल्म मैं किसी नु इल्म दूसरा जानदा नहीं ये नहीं फरमाया कि दूसरे नु मैं अता ही नहीं कीता ये फरमाया कि दूजा नहीं जानदा मेरे देवन तो बगैर ये गल ये मुअक्कफ कुराने पाक दे विच साबित है अगर कोई मैं तो दलील मंगे मैं उन्हें देंगा हुण मौलवी साहब अपना बयान कर बस ठीक है ओनु करन दे आ जा भाई हुण तेरा टाइम ओदे 5 मिनट मैं नहीं बोलया नहीं गल कीती होवे हां ठीक हो गया जी सब तो पहली गल है कि रोला इस गल तो चलया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मौलाना दे आए के गैब जानते हैं
मेरे आए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते, जो अल्लाह ताला वही दे जरिए आप नु हुक्म दे देवे, आप नु दस देवे, उदे इलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते। मैं मौलाना दे अगे सब तो पहले कुरान पाक दियां दो आयात दसियां ने, मैं चोटी दा जोर लाया तुहाडे सामने, ईमानन कुरानन दसना है। अगर मौलाना ने मेरिया दो आयतां दा तर्जमा कीता तां मैनू जनाब तुहाने दस दिओ। जनाब दो आयतां दा मेरा तर्जमा नहीं आया। मैं हुण भी कुराने पाक अल्लाह ताला दी प्यारी कलाम ते मुकद्दस कलाम दी आयात पढ़ रहा, वा इंदहु मफातिहुल गैबी ला यालमुहा इल्ला हु। अल्लाह कह रहे ने लोगो गैब दी सारी चाबियां मेरे कोल ने। अगर नबी पाक गैब ऐसी, अल्लाह ताला कह मेरे हबीब कुल अपनी जबान च भी कह दे, इन्हां लोगों नूं कह दे ना कोई जाती है ना कोई अताई है। अल्लाह ताला फरमा रहे सोने ऐलान कर दे, अकूल लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मेरे को खजाने कोई नहीं है, खजाने का मालिक कौन बोलो अल्लाह। वला आलमुल गैब, गैब का लफ्ज आया, आलम वाहिद मुतकल्लम दा सीगा आया। फरमाया कि लोगो मैं गैब नहीं जानता, जाओ रात सारी गुजर जाए, मौलवी मेरी इन्हें दो आयात का तर्जमा नहीं करेगा, इन्हों का जवाब नहीं देगा। फिर तीसरी दलील अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने हाजिर में रखी, उसका भी जवाब नहीं दिता। मौलाना अगर मेरे पैगंबर को गैब का इलम होता, नबी पाक गए ने, आपने दावत दी है, लोग आपको खंजर मार रहे ने, लोग आपको शहीद करने की कोशिश कर रहे ने। हजरात एक मकाम ते नबी पाक दे 70 कारी शहीद होए ने, अगर नबी पाक नु गैब दा इलम से आपने क्यों आख्या कि तुसी उधर जाओ। हजरात इन्ना मेरिया दो आयात का तर्जमा अम्मी आयशा की दलील का जवाब मौलाना देन, रात सारी मैं ते खड़ा होके इंशाल्लाह उन्हां दा दीदार और उन्हां दा इंतजार करांगा। लब लो अपनी डायरियां वेख लो, आ डायरी मौल साहब और चुक के ले आए ने, लब लो जाओ, बड़ा खुला टाइम है तुहानू, ठीक है, खुला टाइम भाई, ये किस मानेगा, हां जी खुला टाइम सारी रात दा तुसा पूरा कर लिया लो जी। मैं तो कुराने पाक दी आयात पढ़िया ने, तू तो घंटा हुण लब्बे दा जवाब देखो तू अपनी आवाम नु रोकना सी, ये अपने घर आए ने, इन्हां नु इत्थे ना मारो, लेकिन तुसी सानू हया नहीं वेखिया। मौलवी साहब नु लभदा कोई नहीं प्यादे, यकीन नाल अल्लाह दी कसम वेख, 5 मिनट गुजर गए जी, मैं हाफिज नहीं हूं, 5 मिनट हो गए जी, कुछ आई है के मौलाना साहब कर लेना सी, अब 5 मिनट खाली गुजर गए, हुन बाद में ओनु बस बैठ जावे यार, 5 मिनट गुजर गए ना, मौली है यार, चुप कर वो, मैं यार चुप कर, मैं कुरान पाक दा हाफिज नहीं हूं, बस मैं नहीं है, फल कर लेना सी, दसना थाने यूं दसदा पे 5 मिंट गुजर गए, छह मिनट देर तक लगनी आकर, मैं हाफिज नहीं हूं, सही है वीडियो बना रखी है, वीडियो बना, अच्छा लेंथ थड़नी है, गुजर जावे जी,
ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਉਹੀਓ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਟੁਰਾਂ ਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਤਾ ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਚ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਚੌਥਾ ਪਾਰਾ ਸੂਰਤ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵਮਾ ਕਾਨ ਅੱਲਾਹ ਲਿਯੁਤਲਿਅਕੁਮ ਅਲਾ ਅਲਗੈਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਗੈਬ ਦਾ ਅਲਲ ਗਾਇਬੀ ਵਲਾਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਯਜਤਬੀ ਮਿਰ ਰਸੂਲਿਹੀ ਮਈਆ ਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਇਲਮ ਦਾ ਇਲਮੇ ਗਾਇਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਵੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਅਤਾ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਗਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਲਮ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਲਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੋ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਵੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇ ਸਾਬਤ ਅੱਗੇ ਟੱਪਾ ਨੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪਾ ਨੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਟੱਪਾ ਨੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਟੱਪਾ ਨੀ ਮਾਰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਇਧਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਇਦ ਚੱਲ 2 ਮਿੰਟ ਯਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਬਾਬੇ ਚੁੱਪ ਪੜਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੌਲਵੀ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐਸਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆਏਗਾ ਐਸਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇਲਮ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਹਲੇ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਤੂੰ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਗੂ ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅੱਗੂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਅੱਗੂ ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 70 ਕਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਭੇਜਦੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਣੀ ਇਸਰਾਇਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਬੀ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਣੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 70 ਨਬੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਬੇਇਲਮੀ ਦੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਬੇਇਲਮੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਅਗਰ ਕਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਵਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਰੱਬ ਸੁਣਾ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਪਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਥਾਮ ਕੇ ਬੈਠੋ ਬਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆਈ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਲਵਾ ਫਰੋਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਮੇਰੀ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਆਯਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੈਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚਾਬੀ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਉਸ ਐਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਫਸੀਰ ਜਲਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਫਸੀਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਤਸਵੀਰ ਮੌਲਵੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਲੱਭਦਾ ਪਈ ਸੁਣੋ ਮੌਲਾਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਫਸੀਰ ਜਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਯਾਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੇ ਅਤਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੌਲਾਨਾ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਾਤੀ ਤੇ ਅਤਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੱਲਾ ਕੁੱਲ ਲਕ ਮਿੰਦੀ ਖਜ਼ਾਇਨੁਲਲਾਹ ਵਲਾ ਆਲਮੁਲ ਗੈਬ ਐ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਵਾਹਿਦ ਮੁਤਕੱਲਮ ਦਾ ਸੀਗਾ
तू कह मेरे को गैब इलम नहीं है इतने अल्लाह तला कह सकते सर कि जरा मैं जाती देव अताई देव हजरात मैं पहले गल की है वही दे जरिए जी खबर अल्लाह मेरे हबीब न दे सची मानने वही तो इलावा आप गैब का इलम नहीं जानते अगर जानते होंगे आपकी बीवी से बोहतान लगे आप जरूर उस मौके से फरमाते सिद्दीक तेरी बेटी सची है क्यों नहीं आपने फरमाया इस तो बाद मौला ने कह रहे हैं कि मेरा सवाल है देखो एक बड़ा अफसर साहब मैं इन्होंने सवाल का जवाब दे रहा कि बनी इसराइल ने जनाब एक वक्त के अंदर नबी कतल किए ने अल्लाह ने क्यों भेजे अल्लाह के रसूले का मतलब तुम रिला है अल्लाह सारी कायनात ऊपर है अल्लाह जो मेरे हबीब नु हुक्म देवे मेरे आका वो कर देने हजरात तुसी अल्लाह ताला नु हबीबे किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला दे तुसी इस अंदाजा कर दिता जी अल्लाह ताला क्यों भेजे ने रसूल अल्लाह ने रसूल भेजने सन पैगंबरां दे नाल लोगों ने इहो जिहा मामला करना सी या तो यह दलील दो कि नबी पाक आख्या होवे कि मैनू उन्हां दा इलम हैगा वही तो बगैर एक दलील साबित कर कि नबी पाक ने आख्या कि मेरे गैब का इलम है लेकिन मौलवी तो जवाब नहीं दे सकेगा ये इलावा सुन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कायनात के अंदर फायदे का नुकसान का गैब का मैनू इलम नहीं है कुल्लामली कुल्ली नफसी नफा वाला दर्रा फिर मौलवी साहब कह देंगे मैं आफत नहीं आई इबादत करके आना सी मैं करावना सी मैं तो इबादत करके आया अल्लाह ताला फरमा रहे ने सोने ऐलान कर दे कि मैं किसी चीज़ का मालिक नहीं हाँ अपनी जान का भी मालिक नहीं कौन मेरा मालिक है सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन के सारी कायनात का मालिक कौन है अल्लाह है। हजरत मेरे दो ही सवाल है मौलाना टेल लाई खड़े ने लिया ने नवी तो नवी कापी लिखी कापी लिया ने लकीर ना लकीर मिला ने लेकिन मिलनी नहीं, नहीं मिलनी ए दो आयात ने कुरान दे विचों साबित करन तफसीर जलालैन दे विचों साबित करन के नबी पाक ने आख्या होया कि मेनू गैब दा इलम हैगा जो मैं इनकी नफी साबित कर दी आप फरमा रहे कि मैं गैब दा इलम नहीं नहीं है मोरी जोर ला लो यार मर्जी मेरा टाइम रखना मेहरबानी तेरी मेरा ठीक हो गया बड़ी मेहरबानी बिल्कुल 12 तारीख मौलवी होर लियावे तो उन्हें दसे इंशाल्लाह बड़ी मेहरबानी कुरान और हदीस के अलावा बात नहीं मानी जाएगी कुरान और हदीस के अलावा कुरान की तफसीर ते हदीस दी तशरीह यार वो सारे नु पता है शारहीन अगर कुरान हदीस के अंदर बात मौजूद ना होवे ना जड़ा दिखा सके हो हर गया बस ये तो सीधी ही बात है कुरान और हदीस के अलावा नहीं एक मिनट कुरान क्या तेनु कुरान हदीस मंजूर नहीं है कुरान हदीस दे मुकाबले विच मैं गल लिख रहा एक यार जो मैं कहन दिया ओयो ना ना कह जेडी गल ए देखा लिखी कुरान और हदीस दे अलावा जेडी गल ओसे नु नहीं मानने तू अगर नु मानना ते ठीक है देखो तू इने लिख रहा कुरान और हदीस के अलावा बात नहीं मानी जाएगी कुरान और हदीस देख लो मौलवी जे कुरान ते डंडी नहीं मारदा बदगार ए लिख मौलवी ए लिख एनु कट आगे लिख कुरान और हदीस के अलावा कुरान और हदीस छोटे मेरी गल तो सुन इवे क्यों कुरान हदीस के अलावा बात नहीं मानी जाएगी हदीस के मुकाबले में किसी की बात नहीं मानी बात गल लिखो आओ आओ लिख थले मनादर का नाम लिख तू भी लिख मैं लिख देना पहले तू लिख यार तो सीधी बात है मेरे ना मनादर करेगा मैं जिते कवे लाहौर कवे पेशावर कवे मैं मगर हाँ जुत्ती छड़ के जावेगा पाछे दे मनादर दी तेरे जहलियत ही नहीं ओ लिख रहा चल तेरे जे मनादर दी अमियत तो लिख नाम लिख सिवाय तेरे शोर शराबे ठीक है यार तू ठीक है तू मनादर लिख पता लग जैसी मनादर किने मनादर बाद मैं लिख नहीं नहीं ऐ गल नहीं है ना 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 डंडी नहीं मारन देंगे अजे अपनी तबीयत हुणे वेख ले ते तू नहीं कीता जांदा मना यार मंगा ऐ कोई गल नहीं ऐ कोई गल नहीं हुण तुसी आपे वेख लो तोड़ा मनादर भज गया कोनी 12 तारीख तो पहले भज गया कोनी
जो मनादर हो जाए तैयार दस दे अपना कोई लिख आदा ना लिख तेन की होया वे कारी नूर अहमद चिश्ती कितो देने अगे लिखो पता इन्हों का लेदे केड़ी गल है तुहानू चोरी है चोरी कर दे जे नींद चोरी कर दे जे मंचरिया ठीक हो गया तेरी बांह है तू लिख मैं लिख देना तेरी बांह है क्यों मेरी बांह ले ब्याह कमाल है तमर तो आदा ना लिख मोड़ा आदा ना लिख या मन ना कि मैं कारी दे मुकाबले च मुनादरा नहीं कर सकदा मुनादर तू आवेदा ए कारी वंद राज लड़ेदा है लड़ेदा लड़ेदा आदा ना लिख बोलो तेन पता अगर ना लिख दिते मेरी अखे जी तबीयत नहीं साथ दे रही जो तबीयत साथ दे बुला ले जो तबीयत साथ दे बुला ले लाहौर देख तुसी नस गए मैं तेरे नाल मैं तेरे नाल देख ते मेरा नाम लिख भज गया मेरी तबीयत नहीं ठीक लिख आदा ना लिख पता लग गया तेनू मैं बट्टू हाथ पाया पता लग जाए तेनू जवाब नहीं आया दो घंटे खा ना लिया नहीं देना।